सो नाउ दिस टाइम इज़ टू रिप्लाई सम कॉमेंट्स. एक कॉमेंट मेरे पास आया था जिसमें लिखा हुआ था कि लाइब्रेरी मैंने क्यों ज्वाइन करी हुई है. तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने का मेन रीज़न ये था कि घर पर मेरा टाइम दोपहर के टाइम में यूटिलाइज़ नहीं हो पाता था अच्छे से. अगर मैं एक घंटे पढ़ने के बाद अगर मैं 10 मिनट का रेस्ट लेती थी तो वो 10 मिनट मेरे 30 मिनट में कब चेंज हो जाते थे मुझे पता नहीं चलता था. लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करके ये चीज़ देखी तो मैं 3 घंटे लगातार पढ़ लेती हूँ बिना ब्रेक के. सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है. और कुछ रीज़न नहीं था. क्या होता है जब मैं रात में अगर पढ़ती हूँ या मैं सुबह जल्दी पढ़ती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से घर पर पढ़ लेती हूँ, बट जो दोपहर का टाइम होता है ना वो मैं घर पे अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाती. और दूसरा रीज़न ये था कि घर पर मुझे डिस्ट्रैक्शन, मतलब बिना किसी बात के डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बीच बीच में माइंड जो है वो फोकस नहीं कर पाता. और जबकि लाइब्रेरी में मैं 2 सिटिंग लगाती हूँ 3-3 घंटे की, वो ईजिली हो जाती हैं. तो हाँ, एक दूसरा ये रीज़न था मेरा कि डिस्ट्रैक्शन जल्दी हो जाता है. तो अब मम्मी बना रही थी कचौड़ी आलू की और ये मैंने और भैया ने खाई थी. बहुत मज़े आए थे, मतलब बहुत टेस्टी कचौड़ी बनी थी. प्रियांशु ने नहीं खाई पता नहीं क्यों. तो अभी मेरा स्टडी का फर्स्ट लॉट कंप्लीट हुआ है और मम्मी जा रही थी मंदिर और मुझे बोल रही थी कि कल से तुम भी चला करना मेरे साथ. तो फिर मैंने अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बोला, ये तो डांट पड़ जाती जाते जाते. और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपना कुछ काम करने के लिए. पूरा हमेशा मेरा बेड जो है ऐसे ही फैला रहता है, तो बस अभी मुझे ये सब कुछ ठीक करना है. अभी मुझे ये सब बैग वगैरह में जमाना है, बट उससे पहले मैं जो है अपना टाइम कुछ पर्सनल अपने लिए निकालती हूँ. एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड डे. सो हाँ, अभी मैं चैंटिंग कर रही हूँ और मुझे इतना रिलीफ मिलता है यहाँ पे. सो इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जो मेरी सेकंड फेवरेट प्लेस है घर की. और यहाँ पर मम्मी बना रही थी मेथी के पराठे. और फिर बस फिर मैं आ गई थी अपना काम करने. फटाफट से बाल वगैरह बनाए और बैग वगैरह जो है लगाया जल्दी जल्दी. और फिर बस मम्मी ने पराठे वगैरह सेक दिए थे जो कि बहुत टेस्टी बने हुए थे और मैंने 2 बोलकर मैं 3-4 तो खाई गई. आज सुबह पता है क्या हुआ, मैंने एयर ड्रॉप्स जो थे मेरे पास वो मैंने बैग में डाल दिए. और पता नहीं मेरा मन किया तो मैंने एक पापा का ईयरफोन रखा हुआ था वो भी बैग में डाल दिया. और फिर जब मैंने एयर ड्रॉप्स लगाए तो वो 20% चार्ज थे बस. और मतलब पूरा वो एक लेक्चर लेने के बाद वो पूरे डिस्चार्ज हो गए. और जो सुबह मैंने एक्स्ट्रा में पापा का ईयरफोन रख लिया था वो बस मैंने यूँ ही रख लिया था और वो मेरे काम आ गया, मतलब बताओ. तो फिर जो ईयर ड्रॉप्स थे वो प्रियांशु चार्ज करता है लेकिन उसने चार्ज नहीं किए, पता नहीं क्यों, मुझे परेशान करने के लिए क्या.
फिर मैंने घर आकर पहले सबसे पहले तो मैंने ईयर ड्रॉप्स को ही चार्जिंग पर लगाया,